हैं गर्ल्स, हमारा तीसरा शेर देखिएगा, जो अधूरा रह गया था। जिक्र मेरा ही वो करता था सरीहन, लेकिन मैं जो पहुंचा तो कहा खैर ये मस्कूर ना था। सरीहन मीन वाज़े अंदाज में, खुले तौर पर, मस्कूर जिसका जिक्र किया जाए। महबूब की यह सिफ्त बज़ाहर बड़ी अजीब भी है और अफसोसनाक भी, कि वो अपने चाहने वालों को हमेशा एक फासले पर रखता है, मगर आशिक के रकीबों, उसके दुश्मनों पर उसकी अनायात और उसके नवाजशात की बारिश होती है। ये बात अशाक के लिए बड़ी अजियत देह और तकलीफनाक है। क्यास भी यही है कि महबूब, जो कि बहरहाल इंसान है, मोहब्बत के जज्बात भी रखता है, वो मोहब्बत का भूखा भी है, इसलिए मोहब्बत करता भी है, चाहता भी है कि उसे मोहब्बत की जाए, लेकिन अक्सर अपने अशाक के सामने जो है वो तजाहल, तगाफुल और बेअतनाई का सा रवैया अपनाए रखता है। उसका ये किरदार जो है वो सिर्फ आशिक के दिल में मोहब्बत की शम्मा बरकरार रखने के लिए है, और हमारे ख्याल में वो इसके हक बन जाने भी है, क्योंकि विसाल के बाद तो तमाम जज्बा हाय मोहब्बत जो है वो सर्द हो जाते हैं। इश्की गर्मी और उसकी जोशी उस वक्त तक ही रहती है जब आशिक वसल की लज्जतों से शाद काम नहीं होता। दर्द फरमाते हैं कि अजीब सा वाक्य है कि मेरा महबूब यकीनन और वाज़े अंदाज में दूसरे लोगों के साथ, मेरे दुश्मनों के साथ, मेरे रकीबों के साथ मेरा ही जिक्र कर रहा था, मगर जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसने गुफ्तगू का रुख बदल दिया और ये मुझे तासुर दिया कि वो किसी और के साथ या किसी और के मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था। अगला शेर देखिएगा। बावजूद के परो बाल न थे आदम के, वहाँ पहुँचा के फरिश्ते का भी मकदूर ना था। अब गज़ल की ये खासियत है कि उसका हर शेर जो है वो अपना अलग मीनिंग रखता है। अब इसमें देखिएगा, पिछले शेर में शायर जो है वो इश्क की बातें कर रहा था, और यहाँ पे टोटली मुख्तलिफ हो गया कि वो इंसान के मर्तबे को डिस्कस कर रहा है। बावजूद के परो बाल ना थे आदम के, मतलब इसके बावजूद के आदम के ना पर थे परिंदों की तरह, वहाँ पहुँचा के फरिश्ते का भी मकदूर ना था, मतलब जहाँ पे फरिश्ते की भी रसाई नहीं थी, फरिश्ता भी नहीं पहुँच सकता था, वहाँ तक इंसान पहुँच गया। इंसान जो कि अल्लाह का खलीफा है, अशरफुल मखलूकात है, मलाइका भी उसे सजदा करते हैं, अतात और फरमाबरदारी के आला तरीन मकामात पर फायज है, फरिश्ते भी खुदा की नूरी मखलूक हैं, उनका काम सिर्फ़ खुदा की इबादत करना और उसके अहकामात पर अमल पैरा होना है। दुनिया और दीन और दुनिया की कोई कमज़ोरी, कोई खामी उनके साथ नहीं, वो बज़ाहर कायनात की आला तरीन मखलूक हैं, लेकिन इंसान की फजीलत जो है वो इसमें कोई शक नहीं। तख्लीक आदम के वक्त शैतान ने इंसान को सजदा करने से इनकार किया तो उसका जो हाल हुआ वो आप लोगों के सामने ही है। इंसान जो है वो इस दुनिया में रहते हुए दुनिया के तमाम काम भी करता है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला की अतात करता है, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करता है। तो यहाँ पे इस शेर में बावजूद के परो बाल ना थे आदम के, वहाँ पहुँचा के फरिश्ते का भी मकदूर ना था, तो किस बात की तरफ शायर ने इशारा किया है? ख्वाजा मीर दर्द ने वाकई मेराज की तरफ इशारा किया है कि इंसान के पर भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो कहाँ पहुँचा? मेराज की रात हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के हजूर अल्लाह से मिलने गए बग़ैर परो बाल के, लेकिन वहाँ जहाँ पे फरिश्ते जो हैं वो एक मकाम तक, सिदरतुल मुंतहा के मकाम तक फरिश्ते रुक गए, लेकिन उससे के आगे सिर्फ़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही गए, अल्लाह से सिर्फ़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मिले। तो यहाँ पे भी ख्वाजा मीर दर जो है वो इंसान की को अशरफुल मखलूकात होते हुए उसकी बढ़ाई बयान करता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम वो है के परोबाल ना होते हुए हज़रत जिब्राइल का मकाम जहाँ पे ख़त्म हुआ, वहाँ से आगे जो है वो आला तरीन मकाम तक सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ात गई है। अगला शेर देखिएगा। परवरिश गम की तेरे याद थी की तो देखा, कोई भी दाग था सीने में के नासूर ना था। परवरिश पालना, परवरिश गम, गम को पालना, मीनिंग देखे याद तें यहाँ तक, कोई भी दाग, दाग ज़ख़म सीने में के नासूर ना था। नासूर ऐसा फोड़ा जो कैंसर की तरह हो, जिसका कोई इलाज ना हो, जो कभी ठीक ना हो सके।
परवरिश गम की तेरे याद तई की तो देखा, कोई भी दाग था सीने में के नासूर ना था। मतलब मोहब्बत से मिलने वाले जो गम हैं, जो दुख हैं, वो आशिक हजरात को अज़ीज़ होते हैं, इसलिए कि उनका मरकज़ व महवर जो है वो महबूब की ज़ात है। आम हालात में तो शायद गम की परवरिश एक मुश्किल अमल हो, लेकिन मोहब्बत में गम की परवरिश लोग उसको बड़े खुशनसीबी समझते हैं। इस तरह इश्क से मिलने वाले ज़ख़म उन लोगों के लिए मोहब्बत के तमगों की हैसियत रखते हैं, जिन पर इन्हें हमेशा फ़ख्र होता है। जिस तरह के मादरे वतन की हिफाजत के सिलसिले में कारहाए नुमाया करने वाले सिपाही को तमगों से नवाजा जाता है, इसी तरह मोहब्बत में मिलने वाले ज़ख्मों को भी आशिक हजरात जो है वो तमगा तसव्वुर करते हैं। अब कहते हैं, शायर कहते हैं कि जब मैंने अपने ज़ख्मों को देखा तो उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो नासूर ना बन गया हो। मतलब मुझे मेरे ज़ख्म जो थे, जो महबूब की तरफ से मुझे मिले, बज़ाहर देखने में तो वो कम लगते थे, लेकिन वो मेरे लिए एक नासूर, एक रिश्ते हुए पोड़े की सी हैसियत रखते थे। अगला शेर देखिएगा। दर्द के मिलने से ऐ यार बुरा क्यों माना, उसको शक हुआ सिवा दीद के मंजूर ना था। दर्द के मिलने से ऐ यार बुरा क्यों माना, मतलब दर्द ये जो है वो तखल्लुस का शेर है, जिसमें शायर ने अपना मक्ते का शेर है जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस बयान किया है। मतलब दर्द कहते हैं कि मैं महबूब से मिलने के लिए गया, मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ महबूब को देखना था, लेकिन महबूब ने मेरे वहाँ पे जाने को बुरा माना। आशिक जो हैं वो बड़े आशिक और शायर लोग जो हैं हर एतबार से बड़े भोले, सादा, कामले रहम और काबले मोहब्बत होते हैं। उनकी तमाम तरख्वाशात जो है वो महबूब ही के गिर्द घूमती हैं। तो छोटी छोटी बातों पे शायर हजरात खुश हो जाते हैं, और छोटी छोटी जो बेअतनाइयाँ जो हैं वो उनको परेशान भी करती हैं। तो यहाँ पे भी शायर ये कहता है कि महबूब जो है वो मुझे बुरा भला कहता है, मेरे साथ गम का रवैया रखता है, लेकिन क्या, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे मिलने गया, उसे देखने गया, मेरा और कोई मकसद नहीं था, मैं और कुछ नहीं चाहता था, मेरी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ जाऊँ, महबूब को देखूँ, इसको दीदार करूँ और वहाँ से वापस आ जाऊँ। चलें जी बच्चों, ये हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ, बाकी इंशाल्लाह कल।